गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैरीगोल्ड मीन्स इंग्लिश एंड वेलकम टू द सेशन एंड टुडे वी स्टार्ट पेज नंबर हम करने वाले हैं। पेज नंबर हमारा है 106 एंड न्यू यूनिट 7 अ काइट। तो दिस स्टोरी एंड पोयम आई एम एक्सप्लेन योर प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज चेक आउट द वीडियो एंड नाउ लेट स्टार्ट। पेज नंबर 107 एंड 106 पे आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, तो ये आपका नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 107 से। तो फर्स्ट है, चलो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एफ किया, हमें एक क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चलो हम देख लेते हैं। लुक लिसन एंड रिपीट। पहले हम इस वर्ड्स को रीड करते हैं। Often, wish, could, kite, sky, ride, upon, breezy, way, chanced and blow. तो now let's start। और ये सब आपको मैंने जब हमने poem explain की थी उसमें सब words भी आए थे, उसका meaning भी हमने देखा था। तो चलो ये और एक बार मैं आपको सभी words के मीनिंग बता देती हूँ। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? बार बार। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। कूड का मतलब क्या होता है? तो कि कोई भी चीज़ के आगे हम उसको यूज़ करते हैं। काइट का मतलब होता है पतंग। स्काई का मतलब होता है आकाश। राइड का मतलब होता है सवारी करना। अपन का मतलब होता है, अपन का मतलब होता है उसके ऊपर। ब्रेज का मतलब होता है पवन की लहरें। वे का मतलब होता है हवा। चांसेट का मतलब होता है और एक बार चांस मुझे दो, आप कहते हैं ना मुझे और एक बार खेलने का मौका दो, मौका। फिर ब्लो का मतलब होता है वुल्फ, जैसे हवा जैसे आती है वो फूक लगाते हैं ना, फूक मारते हैं उसको कहते हैं ब्लो। तो आई एम एक्सप्लेन ऑल ओवर वर्ड्स एंड रीडिंग एंड मीनिंग, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। फर्स्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स में फोर्थ ब्रैकेट्स दिए होंगे, उसमें से क्वेश्चन रीड करके सही आंसर का ए बी सी और डी बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट है, व्हाट डज चाइल्ड विश टू बी। वो चाइल्ड था, उसकी विश मतलब उसकी इच्छा क्या थी, क्या बनने की थी? तो काइट बनने की थी, हमने इस पोयम में देखा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू विथ द ब्रेजी। ब्रेजी का मतलब पवन के साथ जो लहरें आती है वो, तो उस लहर के साथ वो क्या करना चाहता था? तो केस में आएगा राइड अपॉन इट, वॉक अपॉन इट, सेल अपॉन इट, रन अपॉन इट। तो यहाँ पे आएगा ए, राइड अपॉन इट, मतलब उसके ऊपर सवारी करके वो जाना चाहता था। तो यहाँ पे आएगा ए। थर्ड वन, द चाइल्ड विशेष टू विच एवर वे। तो यहाँ पे चाइल्ड था, उसकी इच्छा क्या थी और क्या करने की थी? तो कि द बर्ड्स फ्लाइज, द विंड ब्लोज, द काइट्स फ्लाइज, कि द ब्रेजिस ब्लोज। तो यहाँ पे आएगा द काइट फ्लाइज, तो उसको एक काइट बन के उठने की इच्छा थी। व्हाट डज द ब्रेजी डू। ब्रेजी है वो क्या होती है, कहाँ पे होती है? तो कि स्लेज में, ब्लोज के सीड्स के फ्लाइज जो उड़ते हैं तो एकदम लहर आती है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आएगा डी, देखो। फिर नेक्स्ट है, लुक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे पिंक पिंक कलर का आपको जो भी लेटर्स दिया है वो है और ट्राइविंग वर्ड्स लास्ट में सभी में सेम ही आते होंगे। डी
फिश विश, पाइट काइट साइट, हाइट राइट वाइट, ब्लो फ्लो ग्लो, चांस डांस एंड ग्लांस। ओके, और पेज नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं 108। चलो नेक्स्ट है सर्कल द ओड वर्ड इन इट सेट। तो आगे हमने देखे ना किस तरह के वर्ड्स थे, लास्ट में जो पिंक पिंक वाले थे लेटर्स वो सेम आते थे तीनों में। तो यहाँ पे हमें फोर्थ का सेट बनाना है, तो फोर्थ वर्ड्स में से सेम यहाँ पे आता हो उसमें से हमें क्या करना है, सर्कल करना है, फोर्थ दिए है इसमें से। तो ओके, पहले हम देख लेते हैं हाइड साइट राइट एंड सेड। तो लास्ट में यहाँ पे आई डी ई आई डी ई आई डी ई, तो ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए, और इसमें ए आई डी आ रहा है तो ये डिफरेंट हो गए ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे उस पे सर्कल। ओके, नेक्स्ट डैश फिश विश डिश। तो यहाँ पे आई एस एच लास्ट में और यहाँ पे है ए एस एच, तो यहाँ पे आएगा सर्कल। फिर नेक्स्ट है ब्लो फ्लो फिश एंड स्लो। तो यहाँ पे से डिफरेंट है फिश, लास्ट में सभी में एल ओ डब्ल्यू है और यहाँ पे आई एस एच है, तो यहाँ पे आएगा सर्कल। फिर नेक्स्ट है डांस हैंड्स चांस एंड टेंस। तो लास्ट में आपको क्या देखना है, ई एन सी ई है यहाँ पे हैंड्स में, और सभी में क्या है ए एन सी ई है, तो डिफरेंट क्या हो गया ई, क्योंकि तीन तो सेम है और वन ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट है काइट बाइट बॉल एंड साइट। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, बॉल, क्योंकि तीन में आई टी ई है और बॉल में बी ए डबल एल है इसलिए, तो सर्कल। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पे ए ब्लैंक्स रीड करनी है, फिर इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके उसका लेटर ए बी सी और डी लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। ओके, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे स्पेस रखी, मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट देखते हैं हम, काइट टू फ्लाई अ काइट, आई लाइक टू फ्लाई अ काइट, सॉरी I like to fly a kite। आपको क्या पसंद है, तो आपको kite, breezy, birds के cloud, आपको जो भी उड़ता हो उसमें से आपको क्या पसंद है आप उसको यहाँ पे लिखना है। आप kite भी लिख सकते हैं, birds भी लिख सकते हैं, आपको birds जो उड़ते हैं क्या आपको पसंद है, और आप क्या वो बनना चाहते हैं, आप birds बनना चाहते हैं उड़ के या kite बनना चाहते हैं, आपको जो भी लिखना हो उसमें लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पोएम के अकॉर्डिंग लिखा है काइट। नेक्स्ट है आई डिश दैट आई कुड बी बर्ड्स आई विश, इसमें क्या आएगा विश, मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बर्ड्स बन के उड़ू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बर्ड विश लिखेंगे डी। यहाँ पे आपको जस्ट क्लियर ना दिखाई दे तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। थर्ड, कैन यू डिस अ हॉर्स, हॉर्स है उस पर आप बैठ कर क्या करना चाहेंगे, तो के साइड राइट वाइट के टाइड राइट सवारी करना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा बी, राइट का मतलब होना सवारी करना। नेक्स्ट वन, डिड यू फोर्थ बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड मतलब पेड़ के पीछे हम क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं, तो छुपने का मीनिंग इंग्लिश में होता है हाइट, टाइट साइड हाइट एंड राइट, तो राइट राइट का मतलब होता है सवारी, टाइट का मतलब होता है कट फिट एकदम फिट, साइड का मतलब होता है बाजू में, तो यहाँ पे आएगा हाइट। जो आप छुपा छुपी का खेल खेलते हैं तब क्या ट्री हो तब कुछ ट्री दिखाई दे तो आप क्या करते हैं उसके पीछे छुप जाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइट। वो गेम्स है ना उसका नाम आपको तो पता होगा, हाइड एंड सीक खेलते हैं आप वो वाली गेम्स, तो यहाँ पे आएगा सी। नेक्स्ट है डू यू लाइक टू, क्या आपको पसंद है,
तो आप यहाँ पे ग्लैंस लिखा है, डांस लिखा है, स्टांस लिखा है और चांस लिखा है। तो ग्लैंस का भी मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है, स्टेंस का भी मीनिंग डिफरेंट होता है, चेंस का मतलब होता है मौका। तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे? डांस, DANCE, डांस। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी। तो इसी तरह से आपको ए बी क्वेश्चन अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 109। टिक मार्क राइट द थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, या ये चीज़ें आपको दी है फर्स्ट थ्री ब्रैकेट्स में दी होंगी, और इसमें से जो भी चीज़ें फ्लाई मतलब जो आकाश में, और स्काई का मतलब होता है आकाश में, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो जो भी चीज़ें आकाश में उड़े उसमें आपको करना है टिक मार्क। तो फर्स्ट दी है आपको काइट, फिश एंड एलिफेंट। तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ उड़ेंगी आकाश में? तो के काइट, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। फिर है एरोप्लेन, फेदर एंड बॉल। तो यहाँ पे एरोप्लेन आकाश में उड़ता है ना, आपने देखा है ना आकाश में प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। तो इसमें टिक मार्क करेंगे फेदर, तो ये उड़ नहीं सकता। यहाँ ये तो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ये उड़ नहीं सकता है। बॉल भी नहीं उड़ सकता है क्योंकि उसका हेवी वजन होता है। फिर है बलून, बोट एंड पैराशूट। तो इन तीनों में से बलून भी उड़ सकता है जो गैस वाला होता है वो, फिर पैराशूट भी उड़ सकता है आकाश में। तो इन दोनों में हम करेंगे टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट है कार, बर्ड्स एंड हेलीकॉप्टर। तो इन तीनों में से बर्ड्स एंड हेलीकॉप्टर ये दोनों फ्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे टिक मार्क। तो चलो ये हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 110। ओके, 110 में 1110। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ यू विश टू फ्लाई इन द स्काई वट वुड यू लाइक टू बी? अ बर्ड्स, अ काइट, अ बलून एंड एरोप्लेन। ड्रो द पिक्चर ऑफ वट यू वुड लाइक टू बी, कलर द पिक्चर। यहाँ पे आपको करना होगा कि आप बर्ड्स बनना चाहते हैं, काइट बनना चाहते हैं, या बलून बनना चाहते हैं, एरोप्लेन बनना चाहते हैं, आपकी एक इच्छा हो, आपकी एक विश हो, तो आप इसमें से जो भी बनना चाहते हो। जिस तरह से हमारे पोयम में वो बच्चा है वो क्या बनना चाहता था? काइट। इस तरह से आपको भी जो बनने की इच्छा हो, आप क्या सोचते अगर मुझे गॉड ने एरोप्लेन बनाया होता तो आप इस तरह से सोचेंगे ना, तो आप क्या कहेंगे, काश मैं एरोप्लेन होता तो मैं आकाश में उड़ सकता, इस तरह का आप सोचेंगे। तो आप यहाँ पे एरोप्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको काश मैं बर्ड्स होता तो मैं पैरोट होता तो मैं स्काई पे फ्लाई करता। तो बर्ड्स में से पैरोट है, स्पैरो है, किसी का भी पिक्चर ड्रॉ करके उसमें कलर करना है। फिर आप काइट, अभी तो हम आप कितने 15 डेज लेफ्ट करके क्या आएंगे, संक्रांत आएंगे ना, तो आप क्या ये सोचना चाहेंगे, काश मैं काइट होता तो मैं आकाश में उड़ता है, मैं सभी जगह पे ब्लो मतलब जो हवा आती वहाँ से हवा आएंगी तो उसके ब्रेजिस के उसके लहरों के साथ मैं भी आकाश में घूम सकता, इस तरह का आप सोचेंगे ना। तो आपको ये जस्ट विश मतलब आपको इच्छा रखनी है, बट हमें तो भगवान ने एक क्या पीपल बना दिया है, आपको चाइल्ड छोटे छोटे हैं आप, तो आपकी तो इच्छा होंगी काश में ये होता वो होता, तो आप उसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए, इस पिक्चर को देखकर उस वर्ड्स यहाँ पे नाम लिखना है। तो फर्स्ट है क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है बादल। फिर नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है? सन, सन का मतलब होता है सूरज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन। फिर नेक्स्ट है थंडर, मतलब जो ब्रूज ब्लो होता है ना हवा की, फूक आती है हवा की, पवन की, उसको कहते हैं थंडर, तो यहाँ पे आएगा ये थंडर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है पेज नंबर 111 में मून।
तो यह है मून, मतलब चांद का पिक्चर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मून, वो आपको ब्रैकेट्स में आंसर उसका दिया ही होगा। फिर है रेन, मतलब जो पानी बादल में से आता है, बारिश होती है वो। फिर स्टार, फिर है ये रेनबो। रेनबो किस टाइम में आपको देखने को मिलता है, तो क्या मानसून के सीज़न में, बारिश के सीज़न में हमें रेनबो देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको ये सभी ब्रैकेट्स में से आंसर ढूंढ कर पिक्चर पहचान कर लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे इस पिक्चर में से आपको टू नेम लिखने हैं, वन एंड टू। जब डेज मतलब दिन में दिखाई दे उसके नेम हमें लिखने हैं। तो दिन में आपको इसमें से कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, तो कि क्लाउड एंड सन, बादल एंड सूरज, वो दिन में दो चीज़ें हमें दिखाई देती है। देखो अब करीब या चलो करीब अब तो 31 टाइम हुआ है, तो आप एक घंटे दो घंटे के बाद आप देखोगे तो सन दिखाई देगा। तो अभी तो दिन है ना, डे है, तो इसमें हम इस तरह से क्लाउड एंड सन, आपको अब आप आकाश में देखेंगे तो आपको बादल भी अब नज़र आएंगे। तो इस तरह से दो यहाँ पे नाम हमने लिख दिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट अ नाइट। नाइट में कौन सी इसमें से आपको पिक्चर दिखाई देंगे, तो कि मून एंड स्टार। स्टार भी नाइट रात को दिखाई देते हैं, और मून चांद वो भी रात को दिखाई देता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब बारिश की मौसम, सीजन का मतलब मौसम और रेन का मतलब होता है बारिश। तो बारिश की सीजन होती है तो इस समय हमें थंडर, मतलब आप कहते हैं ना हमें क्या गवर्नमेंट की मदद से हमें क्या सभी को एक वार्निंग देते हैं कि आज एकदम क्या आने वाला है, एकदम पवन का झोंका आने वाला है, तो आपको घर में ही रहना है बारिश की वजह से। तो उसका होता है मीनिंग थंडर, वो बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। फिर रेन, तो रेन भी बारिश में ही आता है। फिर रेनबो, मैंने आपको आगे अभी भी हम बोला था कि रेनबो भी हमें बारिश में ही दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे पेज नंबर 111 में हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको इस तरह से यूनिट 7 में पेज नंबर 111 तक कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 112 से स्टार्ट करेंगे और सुंदरी यूनिट पार्ट 2 लेक्चर 2 में। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।